देखिए वो कहीं भी दौरा कर लें, वो अपने बारे में खुद बता चुके हैं कि जहां मैं जाता हूं वहां वोट कट जाते हैं। अच्छा मैं नहीं कह रहा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, तो हम तो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चले जाएं, और जहां जहां जाएंगे आप परिणाम देख लेंगे ना, सुपड़ा साफ मिलेगा। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। और ये पत्र भी उस समय मैंने जो है 2/3/5/23 को जारी किया था। ये मेरी बाइट है, कोई किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में, थोड़े दिनों में जो आई फ्लू का जाला हट जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे, प्रतीक्षा करिए आप। ये देखो महाकाल जाने लगे, ये कावड़ यात्रा में जाने लगे, ये सब कथा कराने लगे, जनता सब समझ रही है कि मेवात पे क्यों नहीं बोले, उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगा, जनता जानती है ये बात को कि आपने कैसे खरगोन की घटना को दूसरा फोटो डालकर भड़काने की कोशिश की और भगवा की वो कर दी आपने, कभी आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की कोशिश करते हो। ये सब अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि जो आप एक चुनावी हिंदू बनके, तो चुनाव पे आप ये जो यात्राएं कर रहे हैं जनता जान रही है। माननीय अमित शाह जी का जो जानकारी अभी आई है वो 20 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होगी, भोपाल और ग्वालियर दो जगह आ सकते हैं। गुलाम नबी आजाद जी का बयान सच में सच के करीब है, कश्यप ऋषि की तपोभूमि है कश्मीर, और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदू थे, लेकिन ये बात भी वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए। कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति जो है ना, जो झूठी राजनीति है ना, वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को। ये गुलाम नबी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है, मैं मानता हूं कि उन्होंने बयान ठीक दिया। बहुत घृणित कृत्य है ये, जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को एक्ट, SC ST एक्ट, ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं और शीघ्र ट्रायल वाले कोर्ट में भेजा जाएगा।